शहर की रोशनियों से बचकर रहना, ये तिलस्म का घेरा है। पल में चौंधिया जाती आंखें और जिंदगियों में रह जाता अंधेरा है। कुछ यही फिलॉसफी लेकर आ रही है फॉक्स स्टार स्टूडियोज और विशेष फिल्म्स की फिल्म सिटी लाइज। और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं महेश भट्ट साहब, राजकुमार राव, पत्र लेखा और डायरेक्टर फिल्म के हंसल मेहता। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा राजकुमार एंड हंसल साहब। एक अवार्ड, इतना बड़ा अवार्ड जीतने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों को आपसे होंगी कि आप इस बार कौन सा छक्का और चौका मारने वाले हैं। उम्मीदें तो है, मुझे एहसास हो रहा है उस बात का कि उम्मीदें हैं लोगों की, और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि भाई उम्मीदों पर मुझे लग रहा है कि हम खरे उतर के आए हैं। हमने ईमानदार फिल्म बनाई है, हमें जो अवार्ड मिला था एक ऑनेस्ट और ईमानदार और निडर फिल्म के लिए था, और ये फिल्म बिल्कुल वैसी है। ये फिल्म नहीं है, दिल की आवाज़ है। मैंने कोई अपने जो क्राफ्ट है वो ऐसा लग रहा है कि कोई और, किसी और का क्राफ्ट था, वो कोई और डायरेक्टर था जो जिब लगा के अपने सारे शॉट्स लेता था और लोगों को इम्प्रेस करते रहता था कि देखो क्या कमाल शॉट लिया है। कि अब बस यही है कि देखो मैंने तुमको रुला दिया, मेरा क्राफ्ट वही है कि मैंने आपके दिल को छुआ कि नहीं छुआ। अच्छा, लोग अक्सर मेरे ख्याल में जब से ये फिल्म की बात चली है आपसे हमेशा ये पूछ रहे हैं कि आप बीच में कहीं इस तरह का सिनेमा आप भूल गए या आपको याद नहीं आया, अब वापस आप घूम के उसी जगह पे आके सिटी लाइट्स आप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आपकी पुरानी फिल्में भी याद हैं, डैडी भी याद है, सारांश भी याद है, मगर इस वक्त आपको इस तरह के सिनेमा की ज़रूरत महसूस होती है, ये एक वजह है जो इस तरह की फिल्म के साथ आप जुड़े। हम कुछ भूले नहीं थे, हमारा स्वभाव हमेशा कहता रहा कि हम जख्म बनाए, सारांश बनाए, सिटी लाइट बनाए, मगर जब बाजार की एक असलियत देखी, बहुत ही प्रैग्मेटिक एक पोजीशन लेकर कि जख्म की लोग बात करते हैं कि हम ऐसी फिल्में बनाइए जो जिंदगी की कड़वाइयों को कन्फ्रंट करती है और निडर होके अपनी बात पेश करती है, उसके लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाता है। अजय देवगन को हमको मिल जाता, हम तो जाते भी नहीं हैं वहाँ पर पुरस्कार लेने, मगर पैसा नहीं कमाती। और हम यहाँ पर आर्ट की सेवा करने तो आए नहीं हैं, घर चलाने आए थे। तो हमने 50 साल की उम्र में डायरेक्शन जब छोड़ी तो हमने कहा कि अब हम वही फिल्म बनाएंगे जो बाजार देखना चाहती है। हमने उस किस्म का सिनेमा बनाया जो लोगों ने देखा, बहुत उसको कामयाब बनाया, मगर साथ साथ इनकी हिपोक्रेसी देखी है कैसे कि इसको फिर इसकी निंदा करते रहे, अरे कहाँ चला गया वो महेश भट्ट, अरे यार पैसा कमाने के लिए क्या यार ये इरोटिसिज्म, ये क्या, कहाँ चला गया सारांश का महेश भट्ट, अरे दफनाया तो तुमने था उसको, तुम अगर जाते जख्म देखने जब बॉक्स ऑफिस भेंट कर आते तो हमको बाजार बोलता, हमारे प्रोड्यूसर्स बोलते, फिनेंस बोलते, भैया ऐसी फिल्म बनाओ चलती तो वो है। मगर कहीं पर हम अपने फितरत के शिकार हैं, पैसा कमाने के बाद में जब अपने घर में हमने देखा कि अब और कितना कर लोगे, तो दिल ने कहा चलो यार वहीं चलते हैं जहाँ पर आपने वो मोड़ लिया था, तो चलो मैं इनको वो देता हूँ जो मुझे, जिसकी मुझे उम्मीद थी। इसलिए आप देख रहे हैं कि कैसे फ्रंट फुट पे निकल के बिल्कुल सामने से मैं ये इसकी जो डुगडुगी बजा रहा हूँ कि भैया आइए, बड़े बड़ा नचवाया हमने तुम्हारे यहाँ तुम्हारी गलियों में अपने बंदर, इसको देखिए ये रूह वाला बंदर है, वो तो सिर्फ जिस्म वाला बंदर था, ये रूह वाला बंदर है। डुगडुगी का कमाल है वैसे, आजकल बिना डुगडुगी बजाए कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता, सरकारें नहीं बनती बिना डुगडुगी के। बिल्कुल, अच्छी फिल्म हो तो सबको डुगडुगी बजानी चाहिए। और मैं तो इस बात की तारीफ पहले करना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसा होता है खासतौर से हिंदी फिल्मों में कि फिल्म दिखाने के बाद इंटरव्यू दिए जाए जी, तो मेरी तरफ से पहले तो तालियां। अरे बात आपकी जनरोसिटी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत हिम्मत का काम है, आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है कि तभी आपने पहले फिल्म दिखाई उसके बाद इंटरव्यू, और हम पे इल्जाम लगने से बच गए कि यार एक ही तरह के सवाल पूछते हो आप लोग। पत्र लेखा, इंडस्ट्री में आई थिंक 75-80% जो लोग हैं इस मंदिर से होके जाते हैं, फिल्मों के मंदिर से, जो हमारे सामने बैठे, आपको भी मौका मिला जी। और जितने भी लोग निकल के गए हैं ना वो सब उधर ही पहुँचे, अपने आप को लकी मानती हैं। लकी भी हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि मैं अभी इनके साथ यहाँ पे बैठी हूँ एक फ्रेम में, तो ऑफकोर्स लकी हूँ। मुझे हंसल सर ने और भट्ट साहब ने मुझे मौका दिया, मेरे टैलेंट पे भरोसा किया कि मैं कर सकती हूँ ऑफकोर्स, पर उसके पीछे भी तो कहीं ना कहीं मैंने हार्डवर्क भी किया, मैंने अपने एक्टिंग को निखारने की कोशिश की जितना कर सकती थी, और उसके बाद हंसल सर ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वो आगे लेके गए।